सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन देना जो है ये बिल्कुल एक सक्सेस की तरह ही है। आपको डेफिनेटली फील होगा कि आप में प्रेजेंटेशन देने का कॉन्फिडेंस जो है वो आ गया है। वीडियोस की एक सीरीज़ होगी, हर सीरीज़ हर वीडियो में हम आपको एक या दो टिप्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम एक वीडियोस की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसका पर्पज़ है प्रेजेंटेशन स्किल्स डेवलप करना, और ये सीरीज़ स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको प्रेजेंटेशन देने से खौफ आता है या नर्वसनेस फील होती है या एक काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन फोबिया है और वो बहुत ज़्यादा नर्वस रहते हैं प्रेजेंटेशन देने से पहले। और यूजली ये वो लोग होते हैं जो बिगनर्स होते हैं, जो शुरू शुरू में जिनको कहा जाता है कि आपने कुछ प्रेजेंट करना है। तो ये वीडियोस की एक सीरीज़ होगी, हर सीरीज़ हर वीडियो में हम आपको एक या दो टिप्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट बताएंगे, जिन पर अमल करके आपको डेफिनेटली फील होगा कि आप में प्रेजेंटेशन देने का कॉन्फिडेंस जो है वो आ गया है। तो ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए नहीं है जो ऑलरेडी प्रेजेंटेशन देने में एक्सपर्ट हैं, बल्कि उन लोगों के लिए है जो अभी प्रेजेंटेशन जो है वो देने में बिगनर्स हैं या उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, वो अपसेट हो जाते हैं और कोशिश करते हैं, अवॉइड करते हैं टिल द लास्ट मोमेंट कि उनको प्रेजेंटेशन ना देनी पड़े। तो याद रखें कि सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन देना जो है ये बिल्कुल एक सक्सेस की तरह ही है। सक्सेस क्या है? सक्सेस आती है कॉन्फिडेंस से, और कॉन्फिडेंस आता है प्रैक्टिस से। तो जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी प्रेजेंटेशन, जब आप चंद एक बार देंगे तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और कॉन्फिडेंस आएगा तो आप एक सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन देने वाले बन जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको कुछ चीज़ों पे, कुछ टिप्स पे जो है कुछ टिप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो आज मैं आपको दो टिप्स बताऊँगा जिनको आपने फॉलो करना है। नंबर वन, तो हम वन बाई वन चलेंगे। नंबर वन, जो ही आपको पता लगे कि आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी है, तो अगर आप में नर्वसनेस है, आप परेशान हैं, तो डेफिनेटली आप ट्राई करेंगे अपने बॉस से या अपने कुलीग से ये कहने की कि यार मुझे आप ये प्रेजेंटेशन से बचा लें या मैं नहीं दूंगा, राइट? तो उसके लिए आप बेशक ये कोशिश जारी रखें, लेकिन बैक एंड पे द मोमेंट आपको ये पता लगा है कि आपको प्रेजेंटेशन देनी है, आपके पास चाहे एक महीना है उसके लिए, 15 दिन है, एक हफ़्ता है, उसी वक्त उसके डाटा पे काम करना शुरू कर दें और अपनी एक टाइमलाइन फिक्स कर लें कि लेट्स से अगर आपके पास 15 दिन है तो 4 या 5 दिन के बाद आपका ड्राफ्ट रेडी होना चाहिए, राइट? तो पहला टिप ये है कि आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, आपने उस फियर या नर्वसनेस की वजह से उसको पेंडिंग नहीं छोड़ना कि अभी तो एक महीना पड़ा है और आप जो है वो 5 दिन बाद उस पर तैयारी शुरू करेंगे, 6 दिन बाद शुरू करेंगे। तो फौरी तौर पर ड्राफ्ट रेडी करना शुरू कर दें, टाइमलाइंस बनाएं और उनको अपने लैपटॉप में या एक्सेल में लिख लें कि लेट्स से 4 दिन बाद आपका फर्स्ट ड्राफ्ट रेडी होगा, 5 को आप अपने कोलीग से या बॉस से शेयर करेंगे, 6 को आप उस फीडबैक की बेस पर उसमें चेंजेस करेंगे, और लेट्स से 10 दिन बाद यानी प्रेजेंटेशन, एक्चुअल प्रेजेंटेशन से 5 दिन पहले फाइनल ड्राफ्ट रेडी होगा, एक्सेप्ट जो भी कुछ एंड में जो चीज़ें आनी हैं या जो डाटा की चेंजेस होनी है। एक तो ये चीज़ है कि टाइम को वेस्ट किए बगैर आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आपने इकट्ठी करना शुरू कर देनी है, एक ये। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने करनी है वो ये है कि आपको ज़्यादा नर्वसनेस ये होती है कि आप बोलेंगे क्या, राइट? आप जब जाएंगे स्टेज पर इतने लोगों के सामने या बड़े बॉसेस के सामने, तो आपको वहाँ पर क्या बात करनी है। उसके लिए आपको सबसे पहले जो चीज़ समझनी है वो है यू शुड नो योर ऑडियंस, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रेजेंट किसको करने जा रहे हैं, राइट? क्या वो एग्जीक्यूटिव लेवल के लोग हैं, या वो आपके कोलीग्स हैं, या वो आप ही के लेवल के लोग हैं, या वो किसी दूसरी कंपनी से आ रहे हैं, कस्टमर्स हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इवन आपका जो पेजेस बनने हैं, जो आपने पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनानी है या जो भी आपने स्लाइड पे प्रेजेंट करना है, जो फाइल्स शेयर करनी है, उस इंफॉर्मेशन का लेवल भी उसी चीज़ इसी चीज़ पर डिसाइड होगा कि आपके ऑडियंस कौन है, राइट? तो ऑडियंस की बेस पर ही पेजेस बनेंगे और ऑडियंस की बेस के ऊपर ही आप अपने डाटा को जो है आप अपनी स्पीच या जो कुछ आपने बोलना है उसको तैयार करेंगे, राइट? ये दूसरी चीज़ हो गई कि आपको ये पता होना चाहिए
कि आपका ऑडियंस कौन है, कौन लोग हैं जो आपकी प्रेजेंटेशन सुनेंगे और किस लेवल के लोग हैं, उसी लेवल की प्रेजेंटेशन आपको तैयार करनी पड़ेगी। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इस चीज़ से बिल्कुल ना घबराएं कि आप उस वक्त क्या बोलेंगे, आपसे बोला जाएगा या नहीं बोला जाएगा। जो चीज़ आपने करनी है वो है कि जो डाटा आप शेयर करने जा रहे हैं उस डाटा के ऊपर आपकी कमांड जो है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होनी चाहिए, राइट। आप ये ना करेंगे आप उसको मतलब हाफ नॉलेज और हाफ कुक सा बनाएं, और आप सबसे पहले अपनी जो डाटा पॉइंट्स हैं आपके उनके ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए। आपका डाटा कहाँ से आया है उसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो आप क्लेरिफाई करें, मुख्तलिफ लोगों से डिस्कस करें, आप ख़ुद सोचें कि उस पर क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर डाटा के ऊपर आपकी कमांड है, जो भी डाटा आप प्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे आप कोई किसी भी इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक है, जो भी आप शेयर करने जा रहे हैं उसके ऊपर अगर आपका टेक्निकल नॉलेज, जितने पेजेस आपने प्रेजेंट करने हैं वो अगर मैक्सिमम है, तो बोलने और क्या बोलना है और किस तरह से बोलना है ये स्टेज आपकी बाद में आएगी, लेकिन ये जो डाटा के ऊपर कमांड है, इवन आपकी अगर परफॉर्मेंस ठीक नहीं भी है तो आपने उन नंबर्स को, आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, अपने डाटा की टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये आपका काफ़ी सारा प्रॉब्लम हल करेगी जब हम अगली स्टेजेस पर डिस्कस करेंगे कि आपने नर्वसनेस को कैसे कम करना है, राइट। तो आज की वीडियो के लिए ये तीन टिप्स हैं। एक तो आपको फौरी तौर पर अपनी प्रेजेंटेशन पे काम कर देना, शुरू कर देना चाहिए जो ही आपको पता लगा है कि आपको प्रेजेंट करना है, तो टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। सेकेंडली, यू शुड नो योर ऑडियंस कि आपका ऑडियंस कौन है। और थर्डली, आपको जो चीज़ करनी है वो ये है कि आपको डाटा जो भी उसके अंदर आप प्रेजेंट करने जा रहे हैं उसके पीछे भी जितना भी डाटा है उसकी मैक्सिमम टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, राइट। इन तीन टिप्स को याद रखें, तो अगली वीडियो में हम डेफिनेटली मज़ीद बात करेंगे कि मज़ीद क्या टिप्स हैं जिससे आपकी नर्वसनेस या जो आपको एक फोपिया है या प्रेजेंटेशन देने से घबराते हैं उसको आप कैसे कम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।